बिल्कुल डबल मिनी है, साथ में फोर एक्टापो देखने को मिलेगा। सैगी वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, व्हीकल निकल जाएंगे, ज्यादा दिक्कत उनके लिए नहीं आने वाली। बट नियो की बात करी जाए, अभी निकले जरूर थे बट नियो के हाथों पकड़े गए और इस वक्त सर्कल के अंदर है, मोस्ट प्रोबेबली सेंटर के साइड पे ही देखने को मिलेगा। नियो कुछ ज्यादा एक्सपोज थे बट चलिए आने वाला है क्योंकि पहला सर्कल खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सर्कल मोस्ट प्रोबेबली आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। बट अभी इसी बीच एक बढ़िया ग्रेनेड ज़ीगॉट को उन्होंने डाउन किया, मोस्ट प्रोबेबली अब सीढ़ियों पे नेट्स की बारिश होने वाली है। और एक बार आप देखें कि जो प्लेयर्स नीचे के साइड पे उन्होंने वहां पे अपने आप को कवर में डाला नहीं, देखना है कि वो इस वक्त कहां पे मौजूद है। चलिए नियो दूसरे कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे। बट गॉडल की स्क्वाड जिस तरीके से हैं कि यहां पे रश कर दे उनके विपरीत ये जरूर जा सकता है क्योंकि आपको ऊपर चढ़ना है और जो ऊपर से प्लेयर पहले से ही मौजूद है आपके हेड बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से ना जाए उनके लिए बेहतर रहेगा। बट भैया आप देखें कि कितने ज्यादा ग्रेनेड्स एंड थ्रोबल का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे साइड पे मार्कस गेमिंग वर्सेस स्काइलाइट गेमिंग की जो फाइट है वो यहां पे चल चुकी है, एक और ग्रेनेड। तो टीम राइवलरी जो है वो थोड़ा मुश्किल स्थिति में जरूर से देखने को मिल जाएगी और इसी बीच इस गहमा गहमी को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे टीम सोल का स्क्वाड। अगर हम बात करें टीम एनजी की तो उनका पूरा का पूरा एलिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। टीम राइवलरी अर्ली स्टेज ऑफ मैच में चार फिनिशर्स में थी। आप ये देखें कि दो जो टीमें एलिमिनेट यहाँ पे हुई हैं, किसी को कोई नुकसान यहाँ पे हुआ है? आई गेस यस, कोई नुकसान तो उनको हुआ ही है क्योंकि 64 प्लेयर हमें देखने को मिले थे बट फिलहाल के लिए 55 प्लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किसी एक टीम का एक और प्लेयर खत्म हो गया, राइवलरी का ही है जो प्लेयर खत्म हुए हैं, बाकी मुझे लगता है कि मार्कस गेमिंग के प्लेयर, ओके यस बिल्कुल मार्कस गेमिंग का एक प्लेयर जो था वो आराम से रिवाइवल मिल जाएगा, दिक्कतें नहीं होने लगे। गॉडलाइन के जो प्लेयर्स थे, चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़े, फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, अभी ग्राउंड फ्लोर पे थे, अभी फर्स्ट फ्लोर पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मौजूद रहेंगे रेक्स, आप एक बार के लिए एंगल देखें, क्या बढ़िया एंगल यहाँ पे बिछा के रखा हुआ है और एक फ्लैश बैंग का भी यूज किया गया। रेक्स की बात करें थोड़ी देर के लिए वो गैस जरूर थे बट फिलहाल के लिए अपने आप को संभालते हुए, अभी की बात करें उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, नॉक किया गया, फिनिश पूरी तरीके से नियो करते हुए आपको दिखाई देंगे। बट रेक्स बहुत ज्यादा मुश्किल में अकेले फंस गए, सपोर्ट देना पड़ेगा अपनी टीम के लिए बट ऊपर जो रेक्स थे उनको भी सपोर्ट देने के लिए नीचे आना पड़ेगा। एक आखिरी प्लेयर लॉल्स अपनी टीम से यहाँ पे सर्वाइव करते हुए, सैगी वर्सेस लॉल्स होने वाला है, लॉल्स के एचपी बहुत ज्यादा कम है, अपने आप को हील करें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। बट लॉल्स यहाँ पे अकेले नहीं थे, एक और गॉडलाइक का प्लेयर है जो इस वक्त सर्वाइव करता हुआ आपको दिखाई देगा, मोस्ट प्रोबेबली नियो हो सकते हैं, बिल्कुल नियो है जो कि अपनी टीम से बहुत ज्यादा बाहर बढ़ा। पैराडॉक्स को देखें, रेवेनेंट की स्क्वाड बट सोल की स्क्वाड थर्ड पार्टी यहाँ पे ज्वाइन करते हुए, बहुत सारे फिनिशर्स उनके यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बट क्लच गॉड वो जरूर यहाँ पे खत्म किए गए। सोल की स्क्वाड की बात करें एक फिनिश उन्होंने निकाला जरूर बट अभी भी वो ढूंढ रहे कि बाकी सारे प्लेयर कहाँ चले गए, अंदर की साइड प्लेयर मौजूद है, कट ऑफ कर दिया गया, डाउन किया गया। बट नहीं, इसी के साथ सैगी को खत्म किया गया, एनिग्मा की स्क्वाड एलिमिनेटेड एंड सोल की स्क्वाड के पास दो फिनिशर्स बट रेवेनेंट उनको भी फिनिशर्स चाहिए। बिल्कुल नियो जो है वो भी यहाँ पर एक्शन में हमें देखने को मिल जाएंगे लेकिन उससे पहले ही वाइपर ने उनको शट डाउन किया। तो फिलहाल टीम सोल इज स्टिल सर्वाइविंग टीम गॉडलाइक एलिमिनेशन। और यहाँ पर अगर हम बात करें टीम एनिग्मा का जो एलिमिनेशन है वो भी हमें देखने को मिलता हुआ, मेसी इतने जल्दी इतने इनिशियल स्टेज ऑफ मैच में हमें इतने सारे एलिमिनेशन और एक और फाइट जो है वो हमारा यहाँ पर इंतजार करें बिकॉज अभी के लिए टीम रेकनिंग जो है वो आ चुकी है टीम सोल के काफी ज्यादा नजदीक। एंड जी हाँ, लेट्स यहाँ पर क्या होता है, टीम रेवेनेंट यहाँ पर आ चुकी है काफी ज्यादा करीब। लेट्स यहाँ पर क्या टीम सोल की बात करें तो चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, फाइट में इन्वॉल्वमेंट आया और अब जोन को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग टीम सोल आज हमें यहाँ पर खेलते हुए जरूर से नजर आई, जिस तरीके से उन्होंने फाइट में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, जिस तरीके से स्लैमिंग करा, ऑब्वियसली यहाँ पर जो गन पावर में बिलीव है उनका वो हमें देखने को मिलता हुआ।